नमस्कार किसान भाइयों, किसान मित्र हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका किसान मित्र प्रशांत। दोस्तों गन्ने की कटाई का सीज़न जो है शुरू हो चुका है और हमारे इधर गन्ने की कटाई शुरू है। देखिए ये हम मेरा खेत है और यहाँ पे मैन्युअली शुरू है, लेकिन गन्ने की कटाई का जो है मशीन भी आया है, तो आज इस वीडियो में वो देखेंगे। तो दोस्तों यही है वो मशीन जो गन्ने की कटाई करती है, बहुत तेज़ी से कट करती है। दोस्तों यहाँ पे देखिए पूरा गन्ना जो है गिर गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से ये मशीन जो है गिरा हुआ गन्ना भी अंदर खींच लेती है। तो ये बाजू में आप ट्रैक्टर देख रहे हैं, इसको फील्डर कहते हैं। एक मशीन के लिए दो फील्डर की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों एक फील्डर भरने के बाद ये भरा हुआ फील्डर जो अनलोड करने के लिए जाता है और दूसरा फील्डर इसको कनेक्ट कर जाता है। ये मशीन कट भी करती है, साथ ही साथ अनलोड भी करती है। दोस्तों कुछ इस तरीके से गन्ने के छोटे टुकड़े करती है मशीन और इस तरीके से फील्डर में भरती जाती है। तो गन्ने की कटाई होकर जब गन्ना मशीन के अंदर चला जाता है तो उसके साथ सूखी पत्ती भी अंदर चली जाती है, तो ये मशीन उसके छोटे टुकड़े करके वापस फील्ड में ही फेंक देता है। तो ये भरा हुआ फील्डर जो है अनलोड करने के लिए अभी जा रहा है, तो ये दूसरे ट्रॉली में अनलोड करता है। वो फील्डर जो है अनलोडिंग करने के लिए गया है और ये जो है यहाँ पे इस मशीन को अभी कनेक्ट होने वाला है। तो दोस्तों मशीन से अगर आप गन्ने की कटाई करते हो तो डेफिनेटली एक चार लेबर ज़रूर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा गन्ने का टुकड़ा जो है वो नीचे गिर जाता है। मशीन ऑपरेट करते समय थोड़ा मशीन आगे पीछे हो जाता है तो गन्ना बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो उसको कलेक्ट करके वापस आपको फिल्टर में डालना पड़ता है। तो आइए थोड़ा मशीन और फिल्टर के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये आप देख रहे हैं लाइन, ये हाइड्रोलिक है, लंबा हाइड्रोलिक है, क्योंकि इसको दूसरे ट्रॉली में डंप करने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता है। दोस्तों थ्रेशर का हवा मैं दूर से ही इसको फील कर पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इस मशीन को हाई आरपीएम पे घुमाना पड़ता है। वो क्यों आपको नेक्स्ट बताऊँगा, पहले आपको ब्लेड दिखाता हूँ। दोस्तों जो गन्ने की कटाई करते हैं, यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे ब्लेड है, बहुत तेज़ी से, बहुत शार्प है और बहुत तेज़ी से जो है गन्ने की कटाई गहराई तक करते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा टेढ़ा बना डिज़ाइन किया है, ये बड़ा सा रेडिएटर है इंजन को कूल करने के लिए। तो दोस्तों ये ड्रम आप देख रहे हैं, इस तरीके के चार ड्रम होते हैं, दो उस साइड होते हैं, तो उसको घुमाने के लिए, गन्ने की कटाई करने के लिए, कटा हुआ गन्ना जो है उसको अनलोड करने के लिए और थ्रेश जो है बाहर फेंकने के लिए, और ये आगे थोड़ा सपोर्ट किया है। तो ये सभी अटैचमेंट काम करने के लिए इंजन को हाई आरपीएम पे घुमाना पड़ता है। तो साथ ही साथ अभी थोड़ा फिल्टर के बारे में जानते हैं। दोस्तों इस फिल्टर को आगे के टायर नहीं रहते हैं और पीछे कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया है, देखिए इस तरीके से डिज़ाइन किया है ताकि ये कम जगह पे भी आसानी से घूम पाए। तो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है। हाइड्रोलिक बहुत लंबे होते हैं, बड़े से ट्रॉली में डंप करने के लिए इसका यूज़ होता है। तो बहुत तेज़ी से जो है गन्ना काटती है। दोस्तों बहुत बढ़िया लगा मुझे, तो आपके इसके क्या विचार हैं मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। पीछे का हिस्सा कुछ इस तरीके से दोनों साइड घूमता है। गन्ना जो है कैबिन के ग्लास पर न गिरे, इसीलिए कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरीके के वीडियो आपको नेक्स्ट भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।